दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं रोहित आप सभी के साथ। तो देखिए बैंक निफ्टी में कंटिन्यू हमको सेलिंग दिखाई दे रही है और कंटिन्यू गिरावट एक जगह देखने को मिल जाती है। लेकिन अब सवाल आता है कि मंडे के दिन मार्केट में कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, कहाँ पे कॉल या कहाँ पे पुट बाइंग करना चाहिए, उसके पीछे का क्या साइकोलॉजी लेवल हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको वही बताना चाहूंगा जो मैं आपको बता के गया था। देखिए मैंने आपको सभी को बोला था और मैं इस बात को कंटिन्यू आपसे बोल रहा हूँ और इसके टॉप से बोल रहा हूँ। देखिए जब मार्केट अपने टॉप पे था उस टॉप पे भी मैंने आपको बोला था कि टॉप पे हमको पीई बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहां पे आपको 22 तारीख को भी मैंने आपको बोला था कि 22 तारीख को देखिए आपको देखिए इस जगह देखिए 41,000 देखिए 41,100 के लेवल को अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो इस लेवल पे भी हम पीई बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अभी हाल ही में एक बाउंस बैक देखने को मिला था और बाउंस बैक देखने के बाद भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट जब भी मार्केट देखिए अपने नीचे वाले लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा और आपको ये लेवल भी बताना चाहूँगा 40,500 का, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो यहाँ पर भी हमको पीई बाइंग करने की बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। यानी हमारा जो बिल्कुल व्यू था वो बेरिश व्यू था और मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग का व्यू था। अब देखिए इस जगह जो नीचे की साइड इसने लो मारा है वो इस जगह अगर मैं बात करूं तो 39,400 का लो मारा है। यानी एक ही दिन के अंदर अगर आप ऊपर के लेवल से देखोगे तो एक ही दिन के अंदर देखिए ऊपर के लेवल से आपको 1,000 से लेके 1,100 पॉइंटों की सेलिंग देखने को मिलेगी। और देखिए बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली मार्केट में, बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, सभी लोगों ने पैसा बनाया जिन लोगों ने लेवल देख के काम किया है। और देखिए आजकल लाइक का टारगेट भी मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या बता के गए थे आप सभी को। तो इस जगह देखिए जो मैं वीडियो प्ले करके बताऊंगा, हमारा कल का इस जगह टाइटल ही था कि बड़ी गिरावट आ सकती है कल के दिन। और देखिए जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे कॉल पब्लिश किए थे उसका तो लाजवाब देखिए बढ़िया प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दिया। तो टेलीग्राम चैनल का तो लिंक बिल्कुल फ्री है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों देरी आप करते हो, क्योंकि यहां पे बिल्कुल फ्री में कॉल दिए जाते हैं, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। तो बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलिए मैं वीडियो प्ले करके बताता हूं कि हमने आपको क्या बताया था। और इस जगह इसकी वॉल्यूम में आपको तेज कर देता हूं, देखने को मिली कि इस जगह रिस्पेक्ट लिया, लेकिन उसके बाद देखिए फिर से इस जगह इसी लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया। ठीक है, इसी लेवल को क्या किया, फिर से इसने इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया। तो जब मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट पहले ही कर चुका था तो अब यहाँ पे क्या हो गए हैं, अब इस जगह पीई बायर एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी जो पीई बाइंग करना चाहते हैं वो इस जगह एक्टिवेट हो जाएंगे। क्यों होंगे, देखिए अभी मैंने आपको पैटर्न समझाया था, कल भी मैंने इसको समझाया था कि मार्केट जब ऊपर से नीचे आता है तो थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर कंसोलिडेट करने के बाद फिर नीचे की साइड जाता है। तो अब की बार अगर जो नीचे की साइड देखिए 40,500 के नीचे जाता है कंसोलिडेट करने के बाद, तो इस लेवल पे हम पीई बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, हर लॉजिक मैंने आपको समझा के रखा है, बस कंडीशन इसमें हमारा इतना सा रहेगा कि 15 मिनट का कैंडल में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है इस जगह में आपको कितना जबरदस्त पैसा हमको बनता हुआ दिखाई दिया। तो लेवल की रिस्पेक्ट कीजिए, सबसे मेन चीज है। देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह वन डे का चार्ट ओपन किया। देखिए हमेशा हमको लेवल की रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैंने आपको हाल ही में क्या बोला था कि जो नीचे से देखिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने ऐसे बोला था कि नहीं बोला था। जो आपका एक क्या था, ये सपोर्ट था, मार्केट सपोर्ट ले रहा था, कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा था, हम इसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही देखिए मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट को ब्रेक किया, देखिए सबसे मेन चीज क्या थी कि इसने जैसे देखिए इस जगह 41,100 के लेवल को अगर नीचे की साइड ब्रेक किया तो हम इसी लेवल से बेरिश हो चुके थे। इसमें क्या हो चुके थे, बेरिश हो चुके थे, हम पीई बाइंग करने के लिए तैयार थे। देखिए जब भी किसी लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो उसके बाद एक बड़ी सेलिंग हमको देखने को मिलती है, जो कि आज के दिन आपको देखने को मिली। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ये अब लेवल आ चुका है इस वाले लेवल तक। देखिए इस वाले लेवल तक अब ये आ चुका है, क्योंकि यहां पे एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली थी और बिल्कुल अब ये वही लेवल पे आके खड़ा हो चुका है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखिए आज का लाइक का टारगेट मैं आपको बताता हूं। आज का लाइक का टारगेट है इस जगह 2000 लाइकों का। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको पूरा करोगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी देखिए आपने डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखे रखे हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि देखिए अब इसमें जो कैंडल बना है तो एक लार्ज कैंडल है, देखिए काफी बड़ा कैंडल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, काफी बड़ा कैंडल है और ये आपका रेड कैंडल
बनाए। कैसे कैंडल बनाए? रेड कैंडल बनाए, यानी हर कैंडल पे एक अच्छा खासा प्रेशर आपको देखने को मिला था। ओपनिंग तो ऊपर की साइड हुआ है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है? क्लोजिंग नीचे की साइड हुआ है, और ये इसका लो पॉइंट है। ठीक है, तो हम अब इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर मार्केट अपने लो पॉइंट पे, आज का इसका लो पॉइंट क्या था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 39,400 का इसका लो पॉइंट था, यानी जो इसने लो मारा था वो जो लो मारा था। ठीक है, हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर देखिए जी, अब की बार अपने लो पॉइंट के नीचे चला जाता है, यानी जो अब की बार अपने लो पॉइंट के नीचे चला जाता है, तो हम जब भी पीई बाइंग करके चल सकते हैं। यानी अगर ये देखिए आपका एक जगह 39,400 के नीचे जाता है, तो हम फिर से पीई बाइंग करके चल सकते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कैसा चार्ट दिखाई देगा। 5 मिनट के चार्ट पे नीचे की साइड आया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद 39,400 के लेवल को किया, तो हम पीई बाइंग कर लेंगे। ठीक है, यानी हमको पीई बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी इस जगह मिल जाएगी। अब देखिए इसमें हमारा टारगेट क्या होगा, तो टारगेट की बात करना, बिल्कुल फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कराइए एंजल वन के साथ, और काफी बेनिफिट का अपॉर्चुनिटी अपने साथ ले जाइए। फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो बिल्कुल चेक कीजिए और आज ही अपना एंजल वन के साथ अकाउंट ओपन कराइए। तो पहला टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो 39,300 का देखने को मिलेगा, दूसरे टारगेट की बात करें तो 39,200 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की बात करें तो 39,000 का लास्ट टारगेट हम लेके चलेंगे। देखिए मार्केट को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि मार्केट कितना नीचे जा सकता है, भाई लेवल आपको दिखाई दे रहा ना, उसके साथ चलिए, ऐसा नहीं है। अब देखिए आज है ना, वो लोग सभी लोग पिटे हैं, उन लोगों का सभी का लॉस हुआ है जो ये सोचते हैं कि भाई आज तो 200 पॉइंट नीचे आ चुका है, अब मार्केट कितना जाएगा, अब मार्केट 300 पॉइंट नीचे आ चुका है और कितना जाएगा, अब तो मार्केट 600 पॉइंट नीचे आ चुका है और कितना जाएगा। आप सोचिए 1000 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट नीचे की साइड आया है, तो जो लोग ये सोचते हैं कितना नीचे आ चुका है उनका सभी का लॉस हुआ है, उन्हीं का सभी का लॉस हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मार्केट कितना नीचे आ चुका है, मार्केट नीचे जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन लेवल के साथ काम कीजिए। ठीक है, मैंने आप सभी के सामने एक जगह ऑप्शन चैन ओपन किया है। मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए एंजल जड़ौदा अपर स्टॉक एलएस ब्लू IIFL के साथ, और ज्वाइन हो जाइए हमारे पेड ग्रुप में, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के अपडेट आप सभी को दिए जाते हैं। तो बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और फ्री टेलीग्राम चैनल को तो आप ज्वाइन कर ही सकते हो। अब चलिए बात करते हैं इस जगह की। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन चैन का डेटा कि इस जगह देखिए आपकी जो क्लोजिंग हुई है वो इस जगह देखिए मैं लिखना चाहूंगा 39,600 के समथिंग की आपकी क्लोजिंग हुई है, यानी जो हमारा सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं देखिए इस जगह मैं दिखाना चाहूंगा 39,500 का हमारा सपोर्ट था, यानी उसके ऊपर आपको यहां पे क्लोजिंग देखने को मिली। अब देखिए जो सपोर्ट का वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, भाई 20 लाख के समथिंग का दिखाई दे रहा है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमको कहां पे जाके देखने को मिलता है, रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलता है 40,000 के लेवल के आसपास, यानी अगर हम बात करें तो इसमें हमको कितना डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है, हमको डिफरेंस दिखाई दे रहा है कम से कम 200 से लेके आपको देखिए 400 पॉइंटों का डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है, और देखिए 40,000 के आसपास कितना हमको यहां पे दिखाई दिया था, 25 लाख के समथिंग का हमको यहां पे देखने को मिल जाता है। अगर देखिए अब की बार इसने देखिए 39,500 को नीचे की साइड ब्रेक किया, अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर हमको सेलिंग कहां तक जाके देखने को मिल सकती है, हमको देखिए ये 15 लाख के लेवल तक देखने को मिल सकती है, यानी इस जगह मैं लिखना चाहूंगा 39,000 के आसपास जाता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। कब दिखाई दे सकता है? जब ये 39,500 को नीचे की साइड ब्रेक करेगा, यानी अगर इसको नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हमको कितनी सेलिंग देखने को मिल सकती है, हमको सेलिंग जो देखने को मिलेगी वो 300 से लेके 500 पॉइंटों की देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी? जब ये 39,500 को नीचे की साइड ब्रेक करता है। ऊपर की साइड तेजी हमको कब देखने को मिलेगी? जब ये देखिए 39,600 पे कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेट करने के बाद फिर ये ऊपर की साइड अगर निकलता है तो फिर हमको जो तेजी देखने को मिलेगी वो सिर्फ देखिए 40,000 तक देखने को मिल सकती है। अगर ये 40,000 तक ही देखिए ओपनिंग आपको ऊपर की साइड दे देता है तो ये हमको सेलिंग करने की एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेगी, यानी अगर ये पहले से ही ऊपर की साइड ओपन होता है तो हमको ऊपर से भी सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। देखिए मार्केट इतना नीचे आ चुका है और उसका पुट कॉल रेशियो भी आपका काफी कम हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक रिकवरी भी हमको देखने को मिल सकती है। अगर रिकवरी देखने को मिलती है तो उस रिकवरी में हम कैसे सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ डेटा मैं आपको बताना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको देखने को मिलेगा कि इस वाली लेवल को आप देखिए, जी आपका लेवल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा 40,400 का लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी जो हमारा पहले सपोर्ट था, इसके जस्ट मैं पीछे जाता हूं तो यहां पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, 40,400 का लेवल। ठीक है, यानी जे भी आपका एक अच्छा खासा क्या दिखाई दे रहा था, जे आपका देखिए सपोर्ट दिखाई देता है। जब इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया
तो हमको एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, मार्केट इस बड़ी सेलिंग के साथ नीचे की साइड काम करते हुए दिखाई दिया। अब ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा एक रेजिस्टेंट पॉइंट हो चुका है। अगर मार्केट आपका ऊपर की साइड ओपन हो भी जाता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है और फिर ये अपने लो को ब्रेक कर देता है 5 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, अपने लो को ये ब्रेक कर देता है 5 मिनट के चार्ट पर, तो हम इस जगह भी पीई बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसको देखिए, मैं इस जगह समझा देता हूँ। मान लीजिए कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड जाता इस लेवल के आसपास, जो कि आपको मैंने आपको बताया यहां पे 40,400 रुपए इस लेवल पे आया, जब भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। या मार्केट आपका पहले से ही ऊपर की साइड ओपन हो गया, आपका पहले से ही ऊपर गैप के साथ ओपन हुआ, वहां पे भी कंसोल्ट किया, फिर नीचे आया, तो दोनों कंडीशन में हम इस जगह पीई बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बता के रखा है, क्योंकि देखिए जो हमारा पहले सपोर्ट था ना, वो अब हमारा रेजिस्टेंट हो चुका है। जिन लोगों ने देखिए यहां पे भर भर के देखिए यहां पे क्या किया है, यहां पे भर भर के देखिए जिन लोगों ने सीई बाइंग करके रखा होगा, उनको काफी अच्छा खासा लॉस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अब जब उनको लॉस हो रहा है जगह, तो अगर मार्केट ऊपर मिलेगा तो वो अपनी लॉस की पोजीशन को यहाँ पे कम करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने ऑक्सीजन के डेटा पे देखा था। तो सिंपल हम क्या करेंगे इस जगह, मैं आपको फिर से बताता हूँ, 40,400 पे अगर मार्केट आता है पीई बाइंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम पीई बाइंग करेंगे, बस कंडीशन हमारा इतना सा होगा कि ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे ही होना चाहिए, यानी माइनस में ही क्लोजिंग होना चाहिए, रेड कैंडल इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा करो, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो हम अपनी पीई की पोजीशन निकाल देंगे। फिर हमारा देखिए टारगेट क्या होगा, तो इस जगह देखिए टारगेट का हम बात कर लेते हैं। पहला टारगेट जो हमको देखने को मिलेगा वो 40,300 का देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट की बात करें तो दूसरा टारगेट जो हमको देखने को मिलेगा वो 40,150 का देखने को मिलेगा। और लास्ट टारगेट की बात करें तो लास्ट टारगेट हमको 40,000 का ही देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी हम इन टारगेट के लिए मार्केट में काम कर सकते हैं। कि जब मार्केट में सेलिंग आना चालू होती है तो उतनी आसानी से नहीं रुकती, क्योंकि FIS और DIS का डेटा भी कंटिन्यू बनता जाता है। तो अगर मार्केट हमको नीचे की साइड अगर मिलता है, तो नीचे की साइड हम अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं सीई बाइंग करने की। देखिए नीचे की साइड हमको कैसे सीई बाइंग करना है, अगर मार्केट आपका मिलता है इस जगह 39,000 के समथिंग, अगर इस प्राइस पे आपका मार्केट मिलता है तो एक बार हमको चांस लेना चाहिए इस प्राइस पे सीई बाइंग करने की। अब देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, चांस लेने का मतलब होता है कि हमने सीई बाइंग किया। ठीक है, सीई बाइंग किया तो हमको इतना भी समझना चाहिए कि अगर ये इस प्राइस के नीचे निकल जाता है, इस प्राइस के नीचे निकल जाता है तो हमको उसमें से निकल जाना है। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि इस प्राइस के नीचे नहीं जाना चाहिए, बस इस प्राइस के नीचे नहीं जाना चाहिए तो हम सीई बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, इतना सा आपको समझ में आना चाहिए। यानी देखिए हमारे देखिए इस जगह सबसे पहले तो हमारा SL छोटा है। ठीक है, SL छोटा है तो हमारा लॉस होने के चांस कम है, तो हमको बस इतना सा समझना है। अब देखिए इसमें हम कैसे बाइंग कर सकते हैं, दोनों कंडीशन से सकते हैं, या तो मार्केट आपका धीरे धीरे नीचे की साइड आए और इस प्राइस को टच करे तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मार्केट आपका पहले से ही नीचे की साइड ओपन हो जाए, पहले से ही आपका नीचे की साइड ओपन हो जाए, जब भी हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको बिल्कुल समझना है। तो हम क्या बाइंग कर सकते हैं, नीचे की साइड सीई बाइंग कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता के रखा है। अब देखिए इसमें हमारा टारगेट क्या होगा, तो वो टारगेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब देखिए इसका लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूं। पहले आपको याद होगा कि इसमें एक बड़ा गैप बना था, और बड़े गैप बनने के बाद देखिए मार्केट ने एक कंटिन्यू तेजी दिखाई थी, उसमें भी एक छोटा गैप बना था और ये लगातार ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि मार्केट ने इस लेवल पर देखिए काफ़ी बार रिस्पेक्ट किया था, काफ़ी बार देखिए इस पर सपोर्ट लिया था और इसी पर देखिए काफ़ी बार इसने काम किया था। लेकिन जब ये इसके ऊपर निकल चुका था, जब इसके जो ऊपर निकल चुका था, तो इसमें फिर कंटिन्यू तेजी बनी थी और इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा था, और उसके बाद देखिए ये कंटिन्यू ऊपर ही जाता जा रहा था। ठीक है, तो अगर ये फिर से इस जगह अपॉर्चुनिटी देता है तो यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी लोग एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या क्यों एक्टिवेट हो जाएंगे, इस जगह सीई बाइंग करने के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। और एक इतनी बड़ी सेलिंग आ चुकी है तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट कभी भी इस तरीके से नीचे नहीं जाता। ठीक है, ऐसे मार्केट जाता है, ऐसे नहीं जाता मार्केट, कभी भी मार्केट इस तरीके से नीचे नहीं जाता, इस तरीके से आता है। तो एक बाउंस बैक दे सकता है, अगर वो बाउंस बैक मिलता है तो हम नीचे की साइड सीई बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब इसमें देखिए हमारा टारगेट क्या होगा, तो पहले टारगेट की तो बात कर लेते हैं, जो कि हमारा 39,100 का, जो कि साइकोलॉजी लेवल के बगल में है। दूसरा टारगेट आपका 39,250, और लास्ट टारगेट हमारा इस जगह होगा 39,400 के समथिंग का। यानी हम इन टारगेट के लिए मार्केट में काम कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।